दिल्ली एम्स में लापरवाही का आरोप। दिल्ली एम्स में खराब स्वास्थ्य देखभाल। 4 साल के बच्चे के दिल की सर्जरी के लिए 80,000 रुपए समेत 4 यूनिट रक्त जमा करने के बाद भी नहीं हुआ ऑपरेशन। नतीजन पैसा जमा करने के 10 महीने के भीतर माता पिता बौद्ध से दिल्ली भाग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बौद्ध जिले के मनुपाली पंचायत के महुली गांव की छम निधि की। अपने इकलौते बेटे की हार्ट सर्जरी के लिए दिल्ली भाग दौड़ कर रख कर निराश, इलाज के वादा नहीं मिला, इसलिए छम निधि ने मीडिया का सहारा लिया। आइए देखते हैं बौद्ध से यह रिपोर्ट। बौद्ध जिले की मनुपाली पंचायत के अंतर्गत महुली गांव के छम निधि शाहुवा पेशावर में एक पुलिस कांस्टेबल हैं। उनका इकलौता बच्चा जन्म के 5 महीने बाद बच्चे को स्वास्थ्य समस्या थी। पहला बौद्ध मुख्य अस्पताल और बाद में बुरला मेडिकल इसे लेने के बाद पता चला कि उनके बेटे को दिल की बीमारी है। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वह उसे इलाज के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में सत्य साई सेवा केंद्र ले गए। वहाँ उन्हें दिल्ली एम्स जाने की सलाह दी गई। छम निधि ने बाद में अपने बेटे को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। बार बार दिल्ली जाने के बाद अप्रैल 2018 में बाईपास ऑपरेशन किया गया था। फिर डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपये और 4 यूनिट रक्त जमा करने को कहा। हालांकि छम्य निधि मार्च 2021 में पैसा और खून जमा कर दी गई, लेकिन बेटे की सर्जरी नहीं हुई। पैसा जमा करने के 10 महीने के भीतर छम्य निधि ने 6 बार भाग दौड़ करके थक गए हैं, लेकिन ऑपरेशन का वादा नहीं मिलने का छम्य निधि ने बताया। ये रेफर कर दिया एम्स दिल्ली को। एम्स दिल्ली 2018 में अप्रैल को ये उसका बाईपास सर्जरी हो चुका है। डॉक्टर ने बोले इसका यदि इसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑपरेशन दोबारा करना होगा, बड़ा ऑपरेशन करना होगा। लेकिन अभी तक उसका तबीयत ठीक नहीं है, सक्सेस भी नहीं हुआ पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन के लिए हमको एस्टिमेट कॉस्ट दे दिए, 80,000 मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ और 4 यूनिट ब्लड दे चुका हूँ। लेकिन डॉक्टर हमको बार बार वापस कर देते हैं कि आपको फोन जाएगा, फोन कॉल जाएगा। हम तो वेट कर करके अभी थक गए हूँ। अभी 6 महीने हो गया उसका ऑपरेशन का, जरूरी डॉक्टर है, हेरिडिटरी डॉक्टर बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी करना है, नहीं तो बच्चा का कुछ भी हो सकता है। हम डॉक्टर को बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, बार बार रिक्वेस्ट भी करते हूँ, ये इसका इमरजेंसी होगा तो क्या करूँगा। वो डॉक्टर ने बोले किसी भी मेडिकल भी ले जाना और उसके वहाँ चेक कराना। हमको तो फायदा उस मेडिकल में नहीं हो पाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका ऑपरेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा तो हम आपको धन्यवाद दूँगा। उसका कभी बच्चा का भी लाइफ रिस्क ठीक रहेगा। 4.5 वर्ष ହେଲାଣି ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜମା ନାହିଁ। अब माता पिता अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। शरीर दिन ब दिन पतला होता जा रहा है और हाथ पैर गहरे और काले होते जा रहे हैं। 4 साल निगम अब कष्टदायी दर्द में है। वहीं दूसरी ओर शरीर भी रक्त भी सामान्य से कम होकर उच्च और गाढ़ा हो जाता है। कई महीनों तक सर्दी और खांसी लगातार रहती है, जिसको लेकर माता पिता। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।